जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और उसकी पत्नी की लाल चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर फायरिंग की। लहूलुहान हालत में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में ही दोनों की मौत हो गई। गुलाम रसूल डार कुलगांव के बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। बीजेपी के पदाधिकारी होने के अलावा डार सरपंच भी थे। दंदहाड़े चौक पर बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की गोलियां मारकर हत्या किए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आतंकवादियों ने घर से भागकर तीन दिन पहले ही आतंकी संगठन को ज्वाइन किया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों हाल ही में आतंकवादी संगठन में शामिल हुए थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादियों की पहचान यासिर हुसैन और उस्मान कादर के रूप में की गई है। ये दोनों डच्चन के रहने वाले थे। इन्हें कुछ हथियारों और गोला बारूदों के साथ कलैंगसू इलाके से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों 5 अगस्त से अपने घर से लापता हो गए थे और दो दिनों के बाद पता चला कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में दोनों शामिल हो गए थे। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां अब भी जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।